क्या आपके पास एक पेटीएम का बिजनेस अकाउंट है? आप अपना जो कि पेटीएम का बिजनेस अकाउंट से परेशान हो चुके हैं, तो अगर आप जो कि पेटीएम का बिजनेस ऐप जो है इसको आप बंद करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंटली जो है कि डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक पेटीएम का, अगर आपके पास एक बिजनेस अकाउंट है यानी कि पेटीएम का जो मर्चेंट अकाउंट है उसको कैसे आप डिलीट कर पाएंगे, कैसे आप परमानेंटली उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पेटीएम फॉर बिजनेस अकाउंट जो है उसको ओपन कर लेना। जैसे यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉग आउट है तो यहाँ पर लॉगिन है, तो हम वो शुरू से बताएंगे। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, उससे पहले यहाँ पर जो भी आपका जो कि यहाँ पर देख सकते हैं लॉगआउट का ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से आपको जो कि पेटीएम का जो बिजनेस फॉर ऐप है इसको ओपन करना है, और नीचे देखेंगे यहाँ पर लॉगिन योर बीकॉम मर्चेंट, तो आपको फिर सेकेंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर लॉगिन वाया मोबाइल, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो पेटीएम अकाउंट है उसमें ओटीपी आएगा, एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, और उसके बाद आप अपना पेटीएम अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे यहाँ पर। और बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ से थ्री डॉट में क्लिक करके ऑप्शन को ढूंढने का कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो प्रोफाइल पिक लगा होगा तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर आप थ्री डॉट पर क्लिक करके चेक करेंगे या फिर देखेंगे तो आपको कहीं भी डीएक्टिवेटेड अकाउंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोफाइल जो आपका जो आइकन होगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं जो भी आपकी बिजनेस डिटेल्स हो गया वो आपको देखने को मिल जाएगा, और नीचे यहाँ पर डीएक्टिवेटेड माई अकाउंट है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उससे पहले यहाँ पर अकाउंट डिटेल में जो भी आपका मर्चेंट नाम हो गया, मर्चेंट आईडी, बिजनेस टाइप हो गया, वो सारा आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे देख सकते हैं डीएक्टिवेटेड अकाउंट, तो इससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं डीएक्टिवेटेड हो गया, और नीचे एक प्रोसेस का ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर प्रोसेस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, यहाँ पर मर्चेंट नाम, मर्चेंट आईडी, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ से रीज़न आपको सिलेक्ट करना है, कोई सा भी आपको रीज़न सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पर क्यों जो है कि आप क्लोज करना चाहते हैं, डीएक्टिव यानी कि बंद करना चाहते हैं पेटीएम का जो बिजनेस अकाउंट है। तो आपको यहाँ से शॉप बिजनेस क्लोज करके आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, यानी कि हमारा दुकान था वो बंद हो गया है, और उसके बाद यहाँ पर डीएक्टिवेटेड पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं अनअवेलेबल टू डीएक्टिवेटेड अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको ये जो प्रोसेसर है यहाँ प्रोसेस आपका जो कि वर्किंग 2 डेज के अंदर में हो जाएगा। और एक बात का आपको ध्यान रखें, उससे पहले यहाँ पर लॉगआउट कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर पेटीएम फॉर बिजनेस अकाउंट क्लोज करने के बाद, डीएक्टिवेटेड करने के बाद, आपको 2 हफ्ते तक इसको लॉगआउट नहीं करना है, यानी कि लॉगिन नहीं करना है, सॉरी, आपको इसको दोबारा से लॉगिन नहीं करना है, तभी आपका सक्सेसफुली जो है पेटीएम फॉर बिजनेस अकाउंट जो है वो डिलीट यानी कि क्लोज हो पाएगा। तो इस तरीके से आप अपना पेटीएम फॉर बिजनेस का जो है कि अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, और इसको जो है कि यूज़ करते हैं जिनका मर्चेंट दुकान होता है, जिनको बार बार जो है कि पैसे रिसीव करना होता है, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन या फिर बड़े ट्रांजेक्शन, तो आप या फिर बहुत लोग क्या करते हैं पेटीएम फॉर बिजनेस में अकाउंट क्रिएट करके जो कैशबैक होता है पेटीएम का उसको ट्रांसफर करने के लिए अपने अकाउंट में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप पेटीएम फॉर बिजनेस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो को 1 लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।